मैं जान ही नहीं पाया आप कौन है, न जाने क्या क्या बोल दिया। मैंने आपको लात भी मारी। जब तुमने लात मारी तभी तुम्हारी शक्ति का एहसास हुआ। ये रक्त नहीं है मित्र, विजय तिलक है जो कहता है कि तुम कायर नहीं वीर हो। इस विपत्ति का हमें आभास भी नहीं था, आपने भगवान बनकर बचा लिया। कौन है आप, कहां से आए हैं? हम कौन हैं ये जाने दीजिए महाराज, आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ आए। इतने बड़े महावीर की हम क्या सहायता कर सकते हैं? जी आपके राज्य की एक सुंदरी पर ये मोहित हो गया है। क्या, कौन है वो सौभाग्यशाली? जी वो आपकी राजकुमारी। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? वो संदेश क्या है वीर? वो क्या है? आपको बंदी बनाने के लिए राजमाता शिवगामी का आदेश है। धोखा। आप गलत समझ रही हैं। हमें शत्रु से बचा के आप हमारे लिए देवता बन गए और अगले ही क्षण हमें बंदी बनाने आ गए। कौन है आप? क्रोध में की गई मीठी बात भी कड़वी लगती है राजकुमारी। जो पूछा जाए उसका जवाब दो। कौन हो तुम? आपका क्रोध शांत होते ही मैं आपको सब कुछ। महिष्मति के होने वाले सम्राट, राजमाता शिवगामी देवी के प्रिय पुत्र भी था संसार, जिससे उस काल के संहारक वीरों के भी अमरेंद्र बाहुबली। संबंधी एक दूसरे के गले लगते हैं, उनके आगे झुकते नहीं है महाराज। राजमाता ने विवाह का प्रस्ताव इस महावीर के लिए भेजा था? जी महाराज, बाहुबली को राजकुमारी से प्रेम है ये बात राजमाता नहीं जानती थी। जब आपने मना कर दिया तो उन्होंने आपको बंदी बनाकर लाने को कहा। मेरी मां से कभी भूल नहीं हो सकती देवसेना, वो जो भी करती हैं उसके पीछे कोई विशेष कारण होता है। ये सिर्फ समझ का फेर है, प्रतिशोध नहीं। मेरे साथ बंदी बनकर आओ। मेरा मन जीतने वाले महावीर हैं आप। अगर मुझे दासी बनाकर भी ले जाएंगे तो मृत्यु तक मैं खुशी खुशी आपके साथ चलूंगी, लेकिन अपना स्वाभिमान हार के बंदी बनकर आना असंभव है। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं देवसेना। जो धर्म मेरी मां ने मुझे सिखाया है उसे साक्षी मानकर वचन देता हूं, तुम्हारे गौरव और मर्यादा पर किसी भी परिस्थिति में आंच नहीं आने दूंगा। अपना हाथ दो।